नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी शॉ का तूफान जो है वो उसमें सेमीफाइनल में भी विरोधी टीम जो है वो उड़ गई है और उनका सैलाब लगातार रनों का एक के बाद एक विरोधियों को ध्वस्त करता जा रहा है, बहाकर अपने साथ ले जा रहा है, जो रनों का सैलाब ला रहे हैं पृथ्वी शॉ। इस सीजन में विजय हजारे में आज उन्होंने लगातार अपना तीसरा शतक जड़ दिया है कप्तान के तौर पर और इस सीजन में चौथा शतक जड़ दिया है और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो ये कि विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन। बताइए कितने सालों से चली आ रही है विजय हजारे ट्रॉफी, इतने सारे महान महान बल्लेबाज उसमें खेले हैं लेकिन कोई ये रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाया है। इतने महान खिलाड़ियों को पृथ्वी शॉ ने एक सीजन में पछाड़ दिया है। पृथ्वी शॉ ने आज कर्नाटक के खिलाफ सेमीफाइनल में 165 रनों की दमदार पारी खेली, तूफानी पारी खेली। इसमें 17 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए और इसी के सहारे उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक सीजन में पृथ्वी शॉ ने सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मयंक अग्रवाल और देवदत्त पड्डीकल को पीछे छोड़ दिया है। मयंक अग्रवाल ने साल 2018 में एक सीजन में 723 रन ठोके थे और इस सीजन में अभी तक पृथ्वी शॉ 725 रन ठोक चुके हैं। सेमीफाइनल के बाद अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल भी खेलेंगे और जिस तरीके का फॉर्म है, हो सकता है 800 से ज्यादा रन भी एक सीजन में वो बना दे। इस मामले में तीसरे नंबर पर है देवदत्त पड्डीकल, जिन्होंने इसी सीजन में 673 रन बनाए हैं और वो भी अभी खेल रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या पड्डीकल इस मामले में पछाड़ पाते हैं पृथ्वी शॉ को या फिर पृथ्वी शॉ आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिलहाल पृथ्वी शॉ ने ये करके, यानी कि 4 शतक जड़ के इस 50 ओवर की ट्रॉफी में, टूर्नामेंट में, उन्होंने वनडे टीम के लिए वापस से दरवाजा खटखटा दिया है। वनडे टीम में वापसी उनकी अब लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि ऐसे प्रदर्शन को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर से वनडे में, क्योंकि 50 ओवर के ही फॉर्मेट में वो 4 शतक ठोक चुके हैं, 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं इस सीजन में। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।